अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गोश्त के अचार की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये गोश्त का अचार बनाने का सबसे आसान तरीका बहुत पसंद आएगा। कई टिप्स शेयर किए हैं, रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गोश्त के अचार की एक आसान सी रेसिपी। आज हम 1 किलो गोश्त का अचार बनाएंगे। हमने 1 किलो गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे अच्छी तरह से धोकर छलनी में छानने के लिए रख दिया था और इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया और इसे एक कुकर में ऐड कर लिया। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, आपके टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन इतना सफिशियंट होगा 1 किलो अचार के लिए। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, ज़रूरत पड़ने पर आगे भी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। गोश्त का पानी भी काफ़ी सारा रिलीज होगा, इतने में ही हमारा गोश्त गल जाएगा। अब हम कुकर की लिड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो करके हम 10 मिनट तक पकाएंगे। गोश्त को हमें 80% तक कुक करना है। अब हम एक अचारी मसाला तैयार करेंगे। हम लेंगे 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा, राई डालेंगे 1 टीस्पून, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू नहीं आती। कई लोग इसमें मेथी भी ऐड करते हैं, लेकिन मेथी की वजह से ये कड़वा हो सकता है, इसलिए हम इसमें मेथी ऐड अभी नहीं करेंगे। मेथी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। मसाला भून चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और इसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से फाइन पाउडर तैयार करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे अचार को। राई की दाल डालेंगे 2 टेबलस्पून, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये तैयार है हमारा खुशबूदार अचारी मसाला। इतना मसाला 2 किलो अचार के लिए सफिशियंट रहेगा, इसमें से हम आधा यूज़ करेंगे। इसे रखेंगे हम अब एक साइड में। गोश्त में काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो गया है, अब हम इस पानी को अच्छे से सुखाएंगे। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि गोश्त को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, 70-80% तक गलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 4 बड़े नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इस गोश्त का पानी अच्छी तरह से सुखाएंगे। ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो हमारा गोश्त का अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, अच्छी तरह से सूख गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, अब इसे एक साइड रखते हैं। अब चलते हैं अचार को बघारने के प्रोसेस में। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ऑयल, आप 1/4 कप ऑयल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होगा। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून कलौंजी, चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त जो हमने गला कर रखा था। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। गोश्त को अच्छे से फ्राई करने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। 7-8 मिनट लगे हैं हमें इसे अच्छे से फ्राई होने के लिए। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, गैस की फ्लेम को लो करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10-12 सूखी लाल मिर्चें, और कड़ी पत्ता भी ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे अचार में। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जो हमने तैयार किया था। जितना मसाला हमने तैयार किया था उसमें से आधा हम इसमें ऐड कर लेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून।
नमक थोड़ा कम लगा इसलिए हमने उसमें और नमक ऐड किया। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तैयार है हमारा फ्लेवर्स से भरपूर गोश्त का अचार। इसे बनाकर आप एक दिन के लिए रख दें और इसे दूसरे दिन इस्तेमाल करें। दूसरे दिन इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इसे 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।